ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे और इसका यहाँ पे ये मेंशन करना होगा। ठीक है, कर दूँगा, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। अरे आप लोग आ गए, और आप लोग सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया एकदम, फर्स्ट क्लास। दोस्तों एक्चुअली आप लोगों को क्या लगता है कि मेडिकल डालना सही रहेगा या फिर MR जॉब करना सही रहेगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय डालिए, कमेंट्स करिए मुझे, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न अभी भी रहता है कि डी फार्मेसी बी फार्मेसी कम्प्लीट होने के बाद क्या हम अपना खुद का मेडिकल तुरंत डाल देना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस लेना चाहिए या फिर MR जॉब करना चाहिए एज अ एक्सपीरियंस लेने के लिए या फिर मेडिकल शॉप में काम करना चाहिए, जॉब करना चाहिए, उसके बाद देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे और फिर प्लान करेंगे। तो दोस्तों कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके इस प्लान के चक्कर में कहीं देर ना हो जाए। पता लगा कि आप जिस एरिया में हैं वहाँ पे मेडिकल शॉप कम थे, लेकिन जब तक आपने प्लान किया तब तक बहुत सारे मेडिकल खुल गए। ये मानता हूँ मैं कि कंपटीशन हर जगह पे है, हर जगह पे कंपटीशन है, और बिना कंपटीशन के मज़ा कैसा? अगर आप डी फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद इमीजिएटली सोच रहे हैं, अगर आपके पास पैसा है, बजट है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इमीजिएटली मेडिकल शॉप डाल दीजिए। आप MR जॉब, मार्केटिंग जॉब के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, बिल्कुल भी ना पड़े। अगर आपका प्लान है मेडिकल शॉप डालने का, आप चाहते हैं कि 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मुझे मेडिकल शॉप ही डालना है, आपका माइंड सेट फिक्स है कि मुझे बिजनेस ही करना है, मुझे मेडिकल शॉप ही डालना है, तो आप मेडिकल शॉप ही डालिए। फालतू में 1 साल 2 साल टाइम बर्बाद मत करिए। हाँ मैं मानता हूँ सीखने को मिलेगा आपको मार्केटिंग जॉब में, आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन आपको सीखने को क्या मिलेगा? डॉक्टर कन्वर्ट करना, प्रोडक्ट नॉलेज एंड ऑल थिंग्स, ये तो आपको मेडिकल में अगर आप स्टार्ट कर देंगे ना तो आपको Day 1 से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बस प्रिस्क्रिप्शन देखना है और देना है मेडिसिन। थोड़ी तकलीफ होगी 1 2 3 महीने, लेकिन आप उसके पहले किसी मेडिकल शॉप में 2 महीने 3 महीने आप करते हैं ना जॉब, उस बेसिस के ऊपर आपको मिलता है लाइसेंस। जॉब मतलब ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती है ना, फिर ऑन दैट बेसिस यू गेट द लाइसेंस इफ़ यू हैव डन डी फार्मेसी और बी फार्मेसी, इवन एम फार्मेसी ऑल्सो। तो होता कैसा है यहाँ पे, अगर आपका माइंड सेट है जैसे कि मैंने कहा, तो आप मेडिकल शॉप तुरंत डालिए, टाइम बर्बाद मत करिए। आपके पास बजट नहीं है, आपको बजट पहले इकट्ठा करना होगा, ठीक है, बैंक बैलेंस बनाना होगा, बनाना पड़ता है, बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेडिकल खोलना है, ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर आप, मैं तो सजेस्ट करूंगा फिर आप मेडिकल शॉप में ही जॉब करिए, आप MR जॉब बिल्कुल भी ना करें फिर, क्योंकि ऐसा देखिए आपको जिस फील्ड में आना है आप उसका एक्सपीरियंस लीजिए ना। हाँ आपको फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी खोल ली है खुद की, आगे चलकर फ्यूचर में अगर प्लान है तो फिर आप MR जॉब ज्वाइन करिए। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करना है तो फिर मैं कहूँगा आपको MR जॉब करिए। क्यों? क्योंकि इससे आपका डॉक्टरों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड होता है। कल को अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा ना, आप उन डॉक्टरों को ऑलरेडी जानते होंगे, तो आप डॉक्टरों को भी सप्लाई कर सकते हैं माल। मेडिकल शॉप वालों के साथ आपका रिलेशन हो जाता है मार्केटिंग में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर काम क्या होता है कि माल देना मेडिकल वालों को। तो यहाँ पे कैसा है कि फिर आपको अगर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब चाहिए, करना है 2 साल 3 साल 4 साल अगर करना है तो आप कर लीजिए, ये आप कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि भाई मेडिकल शॉप के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर शॉप भी चालू कर दूं क्या, दोनों एक साथ में? अगर आपके पास बजट है तो आप चालू कर दीजिए, लेकिन अगर देखा जाए अभी एज ऑन डेट आपको बड़ी बड़ी कंपनियां मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, ना के बराबर ही है। अगर आपको किसी लिंक के थ्रू मिल जाता है तो आप ट्राई करिए, देर इज़ नो प्रॉब्लम, आप ले सकते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न हो गया क्लियर आपका? तो अगर आपको स्टार्ट करना है मेडिकल इमीडिएटली तो आप स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है तो मैं तो कहूँगा किसी मेडिकल शॉप में जाकर के आप जॉब करिए, वहाँ पे आपको पैसा मिलता रहेगा, एक्सपीरियंस आता रहेगा कौन से मेडिसिन, क्योंकि ऐसा होता है आपको प्रिस्क्रिप्शन देखने को समझ में आएगा ना कि हाँ डॉक्टर ने ये लिखा है प्रिस्क्रिप्शन, अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इस मेडिसिन में ये ऑफर है, ये है, ऐसा है, वैसा है, तो आपको पूरी आइडिया मिल जाती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास पैसा है, बजट है, सब कुछ ठीक है, आपने कंफर्म आपका डी फार्मेसी बी फार्मेसी एम फार्मेसी कंफर्म हो चुका है, तो आप बिंदास डाल दीजिए मेडिकल शॉप। कहते हैं ना कि बाकी आप अपना काम करते रहिए, बाकी सब नसीब का खेल, किस्मत का खेल, वो जब चल जाए तब चल जाए, लेकिन उसके चलने का इंतज़ार मत करिए, आप अपना काम करते रहिए। जो भी हो, स्मार्ट वर्किंग के साथ, प्लानिंग के साथ, इस पर क्या देना है, कैसे क्या करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप मेडिकल शॉप में भी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल शॉप के साथ साथ और क्या साइड बाय साइड चालू कर सकते हैं वो भी आप चालू करिए, अगर आप चालू कर सकते हैं तो। बगल में अगर दुकान कोई खाली हो तो वो भी आप ले लीजिए, वहाँ पे आपको कुछ चालू करना है तो आप वो भी चालू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एनी कन्फ्यूजन एनी डाउट, अगर अभी भी आपके मन में चल रहा हो कुछ सवाल, कुछ डाउट रिगार्डिंग मेडिकल शॉप को लेकर के, जॉब को लेकर के, तो आप बिंदास मुझे डालते रहिए कमेंट्स, मैं आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ और देता रहूँगा। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहूँगा कि आप लोग जहाँ पे भी रहें मस्त रहें, इंजॉय करें, और एक दूसरे की हेल्प करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। तो अब मुझे ये तैयार करना है, ओके करता हूँ।
ठीक है दोस्तों, जाइए, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ।